मंगल हमेशा से ही इंसानों के लिए एक खोज का विषय रहा है। इस लाल गोले का सुर्ख रंग हमें डराता जरूर था, मगर इसकी रहस्यमय सूरत हमें इसमें दफन राजों को फाश करने के लिए प्रेरित करती थी। यही कारण है कि हम पिछली कई सदियों से मंगल पर आंखें जमाए बैठे हैं। मंगल ने हमें अतीत में कई ऐसे पल भी दिए हैं जब हमें आश्चर्य और कौतूहल दोनों की अनुभूति एक साथ हुई। आज इंसान मंगल को अपने भविष्य के रूप में देखता है। पृथ्वी पर अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहा जीवन अपना अगला ठिकाना मंगल पर ही देखता है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि वास्तव में इंसानों का मंगल पर स्थानांतरण कैसे होगा। आखिर कैसे हम इंसान इस वीराने को आबाद करेंगे और यहाँ अपनी बस्तियाँ बसाएंगे। वेल, टेराफॉर्मिंग और कॉलोनाइजेशन के इस फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट से वाकिफ होने के लिए बने रहे इस वीडियो में बिल्कुल अंत तक। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी। तो चलिए शुरू करते हैं। मंगल आज हमारे सपनों की मंजिल, आने वाले कल की हकीकत बनने वाला है। तो फिर आइए क्यों ना आज के इस वीराने मंगल का नजदीक से एक जायजा लें। धरती से करीब 14 करोड़ मीलों की दूरी पर मौजूद ये ग्रह सूर्य से चौथा ग्रह है। ये एक ट्रांजिशनल प्लैनेट है क्योंकि इसके बाद गैसीय ग्रहों की शुरुआत होती है। मंगल एक ठोस ग्रह है। इसकी सतह अधिकतर आयरन, निकल और सल्फर से बनी हुई है। यही कारण है कि इसका रंग सुर्ख लाल है। हालांकि इसकी सतह का तापमान इसके रंग से उलट काफी कम है। मंगल का एवरेज सरफेस टेम्परेचर -63 डिग्री सेल्सियस रहता है। पोलर रीजन्स पर तो यही टेम्परेचर -140 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इसके ध्रुवों पर जमे हुए पानी, गैसों की आइस कैप्स भी मौजूद हैं। बात करें अगर इसके वायुमंडल की तो मंगल एक विरल वायुमंडल वाला ग्रह है। इसका वायुमंडल पृथ्वी की अपेक्षा 1% से भी कम घना है और यही कारण है कि यहाँ सतह पर कोई एयर प्रेशर फील ही नहीं होता। मंगल के वायुमंडल की संरचना अधिकतर 95.3% कार्बन डाइऑक्साइड, 2.6% नाइट्रोजन और शेष 0.1% हिस्से में ऑक्सीजन और आर्गन जैसी गैसें मौजूद हैं। जहां तक बात मंगल ग्रह पर पानी की मौजूदगी की है तो वैज्ञानिक इस बात को लेकर आज तक भी शशंकित हैं। बेशक हम आज इस ग्रह की सतह पर तरल रूप में पानी की खोज नहीं कर पाए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मंगल ग्रह पर पानी ही नहीं है। पिछले कई दशकों से हमारी मंगल पर रिसर्च ने ये साबित किया है कि वास्तव में मंगल ग्रह लाइफ को होस्ट करने के लिए एक पोटेंशियल कैंडिडेट साबित हो सकता है। यहाँ कभी वो तमाम परिस्थितियाँ मौजूद रही होंगी जिसने जीवन को फलने फूलने के लिए एक अनुकूल वातावरण दिया होगा। फिर चाहे वो यहाँ की सतह पर बहता पानी हो या फिर इसकी फिजाओं में बह रही हवा में मौजूद ऑक्सीजन, जीवन के जिस रूप को हम आज पृथ्वी पर देखते हैं शायद एक दौर में वो मंगल पर भी मौजूद रहा होगा। वो सभी कंडीशंस, वो सभी फैक्टर्स जो जिंदगी को सांसें भरने के लिए एक अनुकूल वातावरण देते हैं शायद अतीत में मंगल पर पहले से ही मौजूद हो। मगर कालांतर में यहाँ पर कुछ ऐसे बदलाव आए जिसने इस ग्रह के जैविक तंत्र को पूरी तरह से तबाह करके रख दिया। यहाँ से जीवों को विलुप्त कर दिया और सतह पर बहती नदियों को सुखाकर खुश्क दर्रों में बदल दिया। वैज्ञानिकों का इस बात पर विश्वास है कि हम फिर एक बार मंगल की फिजाओं को आबाद कर सकते हैं। जिस जीवन ने यहाँ पर दम तोड़ दिया था, हम फिर से उसे एक बार रिवाइव कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए हमें एक लंबे चौड़े प्रोसेस से गुजरना होगा। इस कड़ी में मंगल ग्रह पर तापमान को बढ़ाने से लेकर वहाँ वायुमंडल में पुनर्निर्माण तक सभी बड़े बदलावों को कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल तौर पर लाना होगा। बेशक ये हमारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। ऐसा करने के लिए हमें बेशुमार पैसे, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी और शायद उससे भी कहीं ज्यादा हमें किसी ऐसे विजनरी इंसान की जरूरत होगी जिसे इस सपने को साकार करने में दिलचस्पी हो, और शायद वो इंसान पहले से ही मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्पेसएक्स के फाउंडर एलन मस्क की, जिन्होंने इंसानों को धरती से स्थानांतरित करके मंगल ग्रह पर ले जाने का प्लान बनाया है। बेशक मस्क इस रेस में अकेले नहीं है, बहुत से और भी प्लेयर्स इस मुकाम पर पहुंचने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, मगर मस्क और उनकी स्पेसएक्स इस रेस में उन सब से काफी आगे है। स्पेसएक्स के पास प्रैक्टिकली मार्स तक जाने के प्लान्स मौजूद हैं। उनके पास वो रिसोर्सेज मौजूद हैं जिनकी मदद से इंसानों को मंगल तक भेजा जा सकता है। साथ ही उन्हें वहां पर बसाने की पूरी प्लानिंग है स्पेसएक्स के पास। इससे पहले कि हम स्पेसएक्स के मार्शियन कॉलोनाइजेशन और टेराफॉर्मिंग के प्लान पर आएं, आइए इस ट्रिप की कुछ अहम डिटेल्स पर एक नजर डालते हैं। अर्थ और मार्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 33.9 मिलियन माइल्स है। अर्थ और मार्स दोनों ही प्लैनेट्स एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जिसके कारण इनके बीच के फासले घटते और बढ़ते रहते हैं। हर 2.5 साल में वो समय आता है
जब ये दोनों ग्रह अपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर होते हैं। ऐसे में मंगल पर कोई भी स्पेसक्राफ्ट भेजने का ये एक सुनहरा मौका होता है। 3 से 8 दिनों की ये लॉन्च विंडो हमें मार्स की एक कन्वीनियंट एक्सेसिबिलिटी देती है। इस दौरान लॉन्च किए गए स्पेसक्राफ्ट कम से कम वक्त और कम फ्यूल खर्च करते हुए मंगल की ऑर्बिट तक पहुंच जाते हैं। ये सफर करीब 8 महीने का होता है। इस दौरान स्पेसक्राफ्ट को अर्थ की ऑर्बिट लीव करने के बाद अगले 250 दिन तक डीप स्पेस में ट्रेवल करना होगा। फिर कहीं जाकर एक दिन उस रॉकेट की खिड़की से ये लाल ग्रह का नजारा आएगा और अगले कुछ 1.5 घंटों में ये मिशन अपने सबसे टफेस्ट फेज से होकर गुजरेगा। ये लैंडिंग सीक्वेंस है। स्पेसएक्स का स्टारशिप कुछ इस अंदाज में एक वर्टिकल लैंडिंग करेगा और यहाँ से इस सर्वाइवल की ये जंग शुरू होती है। दरअसल स्टारशिप की इस फ्लीट में पहले मार्शियन सेटलर्स का एक दस्ता होगा। ये वो पहले इंसान होंगे जो मंगल को इंसानों के जीने लायक बनाने के लिए अपने जीवन का दान करेंगे। हो सकता है इनकी ये मंगल यात्रा वन वे हो, यानी वे वापस कभी पृथ्वी पर आ ही न पाए, या फिर कई सालों बाद उन्हें पृथ्वी पर आने का मौका मिले। खैर, इनका अंजाम चाहे जो हो, मगर यहाँ पर ये आने वाली चुनौतियों से दो दो हाथ करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। इस सिलसिले में इन्हें सबसे पहले एक बेस यूनिट तैयार करनी होगी। ये मार्शियन कॉलोनाइजेशन की पहली कड़ी है। इसके अंतर्गत यहाँ पर ऐसे शेल्टर्स बनाए जाएंगे जहाँ इन मार्शियन सेटलर्स के रहने की व्यवस्था होगी और यहीं पर तमाम वैज्ञानिक प्रयोग और रिसर्चेस के लिए लैब भी मौजूद होगी। साथ ही इन खास किस्म के शेल्टर्स में कुछ विशेष ग्रीन हाउसेस भी होंगे जहाँ पर खेती की जाएगी। जी हाँ, मार्स पर बसने को गई इस इंसानी सभ्यता को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना होगा। पहले अपने भोजन की व्यवस्था और फिर अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी का इंतजाम, सब कुछ इन मार्शियन सेटलर्स को खुद ही करना होगा। बेशक उन्हें शुरुआती कुछ सालों तक अर्थ से फूड और वाटर की सप्लाई मिलती रहेगी, पर एक बार जैसे वहाँ पर इन सब चीजों का इंतजाम हो जाएगा, ये सप्लाईज भी रोक दी जाएंगी। वैज्ञानिकों ने अभी से ऐसा करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी पर ही रहते हुए ऐसा एनवायरनमेंट तैयार किया गया है जैसा कि हमें मंगल पर मिलेगा। इन्हीं परिस्थितियों में कुछ ऐसे ग्रीन चैम्बर्स बनाई गई हैं जहाँ पर हीट, लाइट और वाटर सभी एक कंट्रोल्ड और लिमिटेड एनवायरनमेंट में है। इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के तौर पर वैज्ञानिकों ने बेहद वेल ग्रोन्ड वेजिटेबल्स पाए। उन्होंने आलू, टमाटर, गाजर, गेहूं और घास जैसी बहुत सी फसलें उगाई और जो बेहद अच्छी तरह से उगी। यानी अब खाने का मामला तो सेट है। बात जहां तक रही मंगल पर खेती करने की, तो इस काम को अंजाम देने की प्रेरणा हमें मशहूर हॉलीवुड फिल्म द मार्शियन से मिलती है, जिसके एक कैरेक्टर मार्क वेटनी ने मंगल ग्रह पर अपने मल से खाद तैयार की थी। अब क्योंकि मंगल की मिट्टी में सिवाय नाइट्रोजन के वो सभी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जिनकी जरूरत मंगल पर फसलों को उगाने के लिए पड़ेगी। बट हेयर इज अ गुड न्यूज, और वो ये है कि इंसानी मल यानी कि पॉटी में ढेर सारा नाइट्रोजन मौजूद होता है। अगर हम किसी तरह से इन मार्शियंस के मल से पैथोजेंस को मार गिराते हैं जो कि इजीली मंगल के जमा देने वाले टेम्परेचर में एक्सपोज कर देने पर मुमकिन है, तो वाकई हमारे लिए ऑर्गेनिक खाद का जुगाड़ भी हो जाएगा। और जहां तक बात रही यहां पर पानी के इंतजाम की, तो वो फंडा भी बेहद सिंपल है। दरअसल जिस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम अब तक बतौर जेट फ्यूल यूज करते आए थे, अब यही हमें पानी बनाकर देने वाले हैं। कैसे? अगेन यहाँ पर हम सिंपल केमिस्ट्री यूज करेंगे। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही गैसेस को एक साथ इन्फ्यूज करने पर रिजल्ट में हमको वाटर यानी कि पानी मिलता है। तो कुछ इस तरह हम शुरुआती दौर में पानी का इंतजाम कर लेंगे। मगर जब यही काम हमें बड़े स्तर पर करना होगा, तो उसके लिए इतनी सारी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस कहाँ से आएगी? घबराइए नहीं, इस शंका का भी समाधान है हमारे पास। दरअसल उस सूरत में हम मार्स के पोलर रीजन्स को रीच आउट करेंगे जहाँ पर जमी हुई इन आइस कैप्स को पिघलाकर उनसे तरल पानी को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। मार्शियन हैबिलिटेशन के इस स्टेज पर आते आते हम इतने विकसित हो चुके होंगे कि अब हम यहाँ पर अपने मेगा प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टेराफॉर्मिंग की, एक ऐसा अभियान जिसके अंतर्गत आर्टिफिशियली यानी कि कृत्रिम रूप से मंगल को हीट अप किया जाएगा, जिससे मार्स का ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा और यहाँ वो तमाम बदलाव आएंगे जो कि भविष्य में मंगल की बेजान पड़ी सतह पर जीवन के बीज को अंकुरित करने में सहायक साबित होगी। इस कड़ी में मार्स पर एक बेहद बड़ा अभियान चलाया जाएगा जिसके अंतर्गत यहाँ बेहद बड़े बड़े ग्लास पैनल्स को डिप्लॉय किया जाएगा। ये बेहद बड़े शीशे सूरज से आ रही रोशनी को मंगल के वायुमंडल की ओर रिफ्लेक्ट कर देंगे, जिससे ये गर्मी मंगल में ही कैद होकर रह जाएगी। इस दौरान मंगल पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस प्रक्रिया को और भी तेज कर देगी। इसके साथ ही मंगल के वायुमंडल पर भी काम साथ साथ चल रहा होगा।
हमारी जानकारी के अनुसार आज से कई लाखों साल पहले जब मंगल ने अपने मैग्नेटोस्फीयर को खोया था तो उसने अपने वायुमंडल को एक ही झटके में तबाह कर दिया। आज मंगल का वायुमंडल अत्यंत विरल और हल्का है। यही कारण है कि सूर्य से मिल रही गर्मी को अपने भीतर संजोकर रखने में कारगर नहीं है। पर जब इस वायुमंडल को पूरी तरह से हील कर दिया जाएगा तो वहाँ पर हमें ये फिनोमिनन साफ साफ देखने को मिलेगा। अब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारी मार्शियन कॉलोनी काफी ज्यादा डेवलप हो चुकी होगी। अब हम इंसान पूरे मंगल पर अपनी अलग अलग स्थायी बस्तियाँ बनाकर रहने लगे होंगे। इस दौरान पहले मार्शियन सेटलर्स का जत्था तो मर चुका होगा या फिर बेहद बूढ़ा होकर वापस धरती की ओर लौट आया होगा। फिलहाल यहाँ पर दूसरी और तीसरी पीढ़ियाँ काम कर रही होंगी। यहाँ तक आते आते मंगल पर ऑलमोस्ट वो सभी बदलाव आ चुके होंगे जिन्हें जहन में लेकर हमने यहाँ पर अपने काम की शुरुआत की होगी। जहाँ तक बात टेराफॉर्मिंग की है तो ये संभावित है कि अगले कुछ और सालों तक लगातार इसी तरह से मंगल को हीटअप करने, उसके एनवायरनमेंट को हील करने और तो और मंगल पर एक एक्टिव वाटर साइकिल के जन्म लेने के बाद यहाँ की दम घोटू फिजाओं में ऑक्सीजन का संचार भी शुरू हो चुका होगा जो कि यहाँ काफी हद तक पृथ्वी जैसे ही वातावरण को जन्म देगा। हालांकि ये एक बेहद लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इसे एक हकीकत बनने में अभी भी कई दशकों का वक्त लग सकता है। तब तक के लिए इंसानों को मंगल पर वैसे ही रहना होगा जैसे कि वो अपने पहले दिन यहाँ पर रहने आए थे, यानी कि अब भी वो खुलेआम मंगल की सतह पर नहीं घूम सकते। उन्हें प्रेशराइज्ड सूट्स पहनने ही होंगे और साथ ही ऑक्सीजन के लिए भी हम अपने आर्टिफिशियल सिस्टम पर ही निर्भर करते होंगे। बट बाय द टाइम ये सब कुछ पीछे छूट जाएगा क्योंकि मंगल पर तेजी से चल रहे बदलाव वहाँ पर क्रांति लेकर आएंगे और यहाँ पर भी जीवन कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा कि यहाँ धरती पर है, खुशहाल और सुगम। तो दोस्तों आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप मार्शियन सेटलमेंट पर और अधिक डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो ऊपर यस में वोट करके जरूर बताएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ रहस्य टीवी स्पेस के किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।